राइट नाउ देख सकते हो आप कि मेरे सामने मोठागांव मानकुली ब्रिज है, उसका वन साइड जो है वो ओपन है, और ये स्वामीनारायण सिटी देख सकते हो आप। और वेलकम टू माय चैनल मैंडरिन ब्लॉग वंस अगेन। और ये थर्ड टाइम है मैं मानकुली का वीडियो बना रहा हूँ, और आप देख सकते हो सामने से कि वन जो रूट है उस पर लोग आ जा रहे हैं। तो अभी अब तक ओपनिंग नहीं हुआ है ब्रिज का, लेकिन मैं इस पर राइड करने वाला हूँ और एग्जैक्ट टाइम आपको बताऊँगा कि कितना टाइम लगता है ब्रिज क्रॉस करने के लिए, और ठाणा पहुँचने के लिए यहाँ से एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है और कितना किलोमीटर आपका खर्च होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पे देख सकते हो बाइक, देख सकते हो 10:10 और किलोमीटर्स भी दिखेंगे आपको। यहाँ पे 16 है, 19,016 किलोमीटर हुए हैं बाइक के, लेकिन वो सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और टाइम देखिए 10:10। सो अभी मैं यहाँ से स्ट्रेट राइड करने वाला हूँ, तो देखते कितना टाइम लगेगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। और ओपनिंग डेट क्या है वो अभी तक बताया नहीं गया है। तो लेट्स सी। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, पूरे ब्रिज का आप देख सकते हो, लेकिन जो मेरे लेफ्ट साइड का जो रूट है उसका कुछ काम बाकी है। तो ब्रिज है वो ब्रिज मैंने पूरा पार कर लिया है विद इन 2 मिनट के अंदर, तो 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे मानकुली ब्रिज क्रॉस करने के लिए। और यहाँ से असली रोड शुरू होता है आगे की तरफ, जो हमें अंजूर फाटा लेके जाएगी। तो बेसिकली ब्रिज तो खत्म हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट रूट जो है ठाणा पहुंचने के लिए वो और थोड़ा कवर करना पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट थिंग मुझे ऐसा लगता है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मानकुली ब्रिज, लेकिन ये भी एक पार्ट है, इस ब्रिज का ही पार्ट है। तो इस चीज के कंस्ट्रक्शन में भी उतना ही टाइम लगा था और इसी वजह से डिले हुआ था। पहला स्पीड ब्रेकर, सो ये देखिए पहला स्पीड ब्रेकर है, वो भी यहाँ पे जंक्शन है, इसलिए पारकुला देव चौक ग्राम पंचायत।
यहाँ पे भी देखिए साइड में आपको पहाड़ कटे हुए दिखेंगे साइड में, तो कुछ काम चल रहा है स्टिल। इनॉग्रेशन का डेट अब तक फिक्स नहीं है, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन इनॉग्रेट होगा, लेकिन फिर भी कुछ काम पेंडिंग है। और अभी ऐसा लग रहा था कि 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के दिन ओपनिंग होगी, लेकिन स्टिल पेंडिंग है। बट एक अगर ब्रिज एक तरफ ओपन हो चुका है तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने के अंदर ये ब्रिज ओपन हो जाएगा पूरी तरह। वन रूट ओपन है लेकिन अभी तक बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो अगर आप डोंबिवली में रहते हो, ठाणे में रहते हो और ब्रिज के इनॉग्रेशन का वेट कर रहे हो तो वेट मत करो, आप ब्रिज यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हम लोग एग्जिट कहाँ ले रहे हैं और फिर उस एग्जिट से थाना स्टेशन का डिस्टेंस कितना है वो हमें देखना पड़ेगा, तो फिर वहीं से पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है, कितना लोकेशन है, क्या डिस्टेंस है। तो ये देखिए लजीज ढाबा के यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट लिया है नकोड़ा स्टोन्स के यहाँ पे। तो मैं अभी लोकेशन देखूंगा मेरे फोन से और फिर पता चलेगा कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो मैप ओपन किया है मैंने और यहाँ से मैं थाना स्टेशन का लोकेशन, क्योंकि अगर डोंबिवली से ठाणे हम कंसिडर करते हैं तो थाना स्टेशन ही कंसिडर करूँगा मैं, और कोई लोकेशन कंसिडर नहीं करूँगा। तो मैं मेरे लोकेशन से अभी थाना स्टेशन कितना दूर है वो देखूँगा। थाने रेलवे स्टेशन, ओके। सो यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है थाना स्टेशन, यानी 23 मिनट्स। तो जो मुझे थाना स्टेशन आने के लिए अगर मैं डोंबिवली से ट्रैवल करूँ तो मुझे लगता था लगभग 1-1.5 घंटा शील फाटा का ट्रैफिक अगर मैं गिनूँ तो, वही अगर मैं मानकोली से आऊँगा तो मुझे मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये है एग्जिट, जहाँ से आप एग्जिट ले सकते हो। और लजीज ढाबा देखिए सामने मेरे, लजीज ढाबा देख सकते हो। और लजीज ढाबा से ये देखिए यहाँ पे एंट्रेंस है, ये जो रूट है ये आगे थाने की तरफ आपको लेके जाएगा, थाना स्टेशन की तरफ। और आगे भी आप देख सकते हो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये इसी के रिलेटेड है इसलिए इनॉग्रेशन में और डिले हो रहा है, लेकिन देखिए गाड़ियाँ आ रही जा रही है। तो यहीं से हम लोग वापस चलेंगे क्योंकि थाना स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से जो गूगल मैप पे लोकेशन है वो बता रहा था, लेकिन अभी तक ओपनिंग हुई नहीं है इसलिए मानकोली के स्टार्ट से उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता रहा था। तो अभी मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल गया है, जो मैंने 10:10 पे चालू की थी राइड वो देखिए यहाँ पे देख सकते हो 10:18 हुए, और 18 मिनट भी नहीं लगे, 2-3 मिनट को मैंने जस्ट बातों में वेस्ट किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 मिनट लगे ब्रिज क्रॉस करके यहाँ तक आने के लिए। अगर आप एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर से भी चलते हो तो भी दैट इनफ मुझे ऐसा लगता है। तो डोंबिवलीकर खुश हो जाओ क्योंकि रूट आपका स्टार्ट हो चुका है ठाणे से मानकोली, ब्रिज से होते हुए डोंबिवली से ठाणे सिर्फ 20 मिनट का डिस्टेंस होगा ओवरऑल, मैक्सिमम आधे घंटे का डिस्टेंस, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ ब्रिज से होते हुए, तो अभी मैं हॉल्ट लूँगा बीच में हॉल्ट लेके देखेंगे। सीरियसली ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूज़फुल है और बहुत मतलब आपका बहुत काम इजी होने वाला है डोंबिवली गर्ल्स का, खास करके जो लोग बाय शिलफाटा से ट्रैवल करते थे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग हैपेंड ये साल की शुरुआत फरवरी में। यहाँ पे देखिए कुछ बंगलोर दिखे गए आपको, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एवरेज स्पीड से आगे ही चला रहा हूँ क्योंकि अभी तो रोड खाली है इसलिए उतना स्पीड में अचीव कर पा रहा हूँ।
साइकिलिंग, अभी फिलहाल कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए ब्रिज की एंट्रेंस आपको दिखेगी, ब्रिज की एंट्रेंस है खाने की ओर से। अभी भी बीच पे क्रैक है, अभी पूरी तरह काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी कुछ देर थोड़ा साइड में रुकता हूँ मैं, बिकॉज बहुत वेट किया है यार, बहुत वेट किया, अभी मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। और आगे भी देखिए कुछ लोग आपको देखेंगे रुके हुए, यहाँ से खाड़ी दिखेगी, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाता हूँ। और देखिए तो लोग आ रहे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये थोड़ा पार करके उस तरफ चला जाता हूँ। ये देखिए, वो देखिए गणेश घाट सामने दिखेगा। सो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह हो चुका है, लेकिन कुछ बहुत सारे कम डिटेल्स है बचे हैं, तो यहाँ पे रेडी है, आप आ सकते हो ब्रिज पे, कोई रोकने वाला नहीं है, टाइमिंग्स भी कुछ नहीं है, आप क्लियरली आ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप आ सकते हो। सामने देखिए सात पुल, सो हियर वी आर मैन, फाइनली मानकुली, मोठा गांव मानकुली ब्रिज शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मोठा गांव मानकुली ब्रिज फाइनली स्टार्ट हो चुका है, और अभी मैं ब्रिज के ऊपर ही हूँ, लेकिन इसका वन रूट चालू हुआ है, अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाता हूँ, तो ये देखिए ब्रिज स्टार्ट हो चुका है, गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन सिर्फ एक ही लेन स्टार्ट हुआ है जो डोंबिवली की तरफ से। ये सामने डोंबिवली है, ये देखिए गणेश घाट और थाने, देखिए गाड़ियाँ आपको दिखेंगी जा रही है और वहाँ से आ रही है, लेकिन ये जो लेन है ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। पूरी राइड मैंने कर ली है, और आप डोंबिवली में रहते हो या थाने में रहते हो तो आप भी मानकुली ब्रिज यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर शिलपाटा। सो इस मंडे से, आने वाले मंडे से आप शुरू कर सकते हो इस पर ट्रैवल करना। इनॉग्रेशन डेट अभी तक सामने नहीं आई है, और अगर मुझे कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको 100% बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यही अपडेट है। देखिए तो ये था मानकुली ब्रिज का अपडेट, आप ये ब्रिज यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर दो वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए आपके डोंबिवली और ठाणे में रहने वाले लोगों को जो शिलफाटा के ट्रैफिक से बहुत परेशान है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।